नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूमर के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ट्यूमर जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों, ट्यूमर जो है वो असामान्य कोशिकाओं के समूह होते हैं जो कि गांठ के रूप में विकसित होते हैं, और ये हमारे शरीर की अरबों कोशिकाओं में से किसी एक में शुरू हो सकते हैं। एक ट्यूमर, जिसे कि हम नियोप्लाज्म भी कहते हैं, वह टिश्यूज़ का एक असामान्य द्रव्यमान है जो कि ठोस या फिर द्रव से भरा हो सकता है। ट्यूमर होने का अर्थ यह नहीं है कि आपको कैंसर हो गया है। कुछ ट्यूमर कैंसर जरूर बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्यूमर कोई परेशानी पैदा नहीं करते हैं और इन्हें हम बिनाइन कहते हैं, यानी कि कैंसर रहित ट्यूमर कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर का एक प्रकार की गांठ या सूजन होती है और यह आवश्यक रूप से हेल्थ को खतरा पैदा नहीं करता है, और यह कैंसर की तरह आसपास के टिश्यूज तक नहीं पहुंचता और न ही शरीर के अन्य हिस्सों में फैलता है। कैंसर रहित तो जो ट्यूमर होते हैं वो कहीं भी बन सकते हैं। कई बार अपने शरीर में एक गांठ या द्रव्यमान जिसे कि बाहर से महसूस किया जा सकता है, वह पाने पर लोग तुरंत यह मान लेते हैं कि यह कैंसर की गांठ है। मिसाल के तौर पर, जिन महिलाओं को आत्मपरीक्षण के दौरान अपने स्तन में गांठ मिलती है, वे अक्सर चिंतित हो जाती है। हालांकि अधिकांश स्तन की गांठें जो है वो मामूली होती है, और वास्तव में अधिकांश गांठें जो है वो कैंसर रहित होती है। इलाज जो है वो ट्यूमर की जगह और प्रकार पर निर्भर करता है, और इसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर टारगेटेड ड्रग थेरेपी शामिल है। बिनाइन ट्यूमर आमतौर पर ठीक होने के बाद वापस नहीं बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि ट्यूमर जो है ये कैसे होता है। तो दोस्तों, ट्यूमर जो है वो अतिरिक्त कोशिकाओं से बने होते हैं, और आमतौर पर कोशिकाएं बढ़ती है और नई कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित होती है, क्योंकि आपके शरीर को उनकी आवश्यकता होती है। जब कोशिकाएं पुरानी हो जाती है तो वे नष्ट हो जाती हैं और नई कोशिकाएं उनका स्थान लेती है। कभी कभी यह प्रक्रिया गलत हो जाती है। जब आपके शरीर को आवश्यकता भी नहीं होती, तब भी नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट नहीं होती, और ये अतिरिक्त कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर ट्यूमर बन सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ट्यूमर जो है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, ट्यूमर जो है वो बढ़ते हैं और अलग अलग व्यवहार करते हैं, जो कि इस पर निर्भर करता है कि वे कैंसर कारक है या फिर कैंसर रहित है, या कैंसर से पहले होने वाले ट्यूमर है, जिसे हम प्री कैंसरस ट्यूमर कहते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों कैंसर कारक ट्यूमर की, तो कैंसर जो है वो शरीर के किसी भी हिस्से में शुरू हो सकता है, और जब कैंसर कोशिकाएँ एक गांठ बनाती है तो इसे हम कैंसर युक्त ट्यूमर कहते हैं। और एक ट्यूमर कैंसर युक्त तब होता है जब वह पास के टिश्यूज में पहुंचता है, और उसमें ऐसी कोशिकाएं हैं जो दूर हो सकती हैं और रक्त या फिर लिम्फेटिक प्रणाली से यात्रा कर सकती हैं और शरीर के अन्य हिस्सों और लिम्फ नोड्स में फैल सकती है। कैंसर जो कि शुरू होने वाली जगह से शरीर के किसी नए हिस्से में फैलता है, उसे हम मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं। और जब कैंसर कोशिकाएँ फैलती हैं और नया ट्यूमर बनाती है, तो नए ट्यूमर को मेटास्टेसिस कहा जाता है। बात की जाए दोस्तों नॉन कैंसरस ट्यूमर यानी कि कैंसर रहित ट्यूमर की, तो ट्यूमर की जिनमें कैंसर नहीं होता है उन्हें हम नॉन कैंसरस ट्यूमर कहते हैं। तो अगर जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं वो एक स्थान पर रहते हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में नहीं फैलते हैं, हटाए जाने के बाद आमतौर पर वापस भी नहीं आते, और एक नियमित आकार के होते हैं और उन पर कैप्सूल नामक एक कवर होता है, और इनको टिश्यूज़ में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ट्यूमर के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, सभी ट्यूमर, चाहे उनमें कैंसर हो या फिर नहीं, कुछ ना कुछ लक्षण तो जरूर पैदा करते हैं। ट्यूमर के स्थान के आधार पर कई लक्षण महत्वपूर्ण अंगों या फिर इंद्रियों के कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको ब्रेन ट्यूमर है तो आप सिरदर्द, दृष्टि की परेशानी और अस्पष्ट स्मृति का अनुभव कर सकते हैं। अगर ट्यूमर त्वचा के करीब या फिर पेट के नरम उत्तक के क्षेत्र में होता है, तो गांठ जो है वो स्पर्श से महसूस की जा सकती है। स्थान के आधार पर एक कैंसर ही ट्यूमर के संभावित लक्षणों की बात करें, तो उनमें है वजन घटना, ठंड लगना, बुखार आना, थकान महसूस होना, तकलीफ या दर्द होना, भूख में कमी आना और रात को पसीना आना, जिसे कि हम नाइट स्वेट्स भी कहते हैं। कैंसर रही ट्यूमर काफ़ी बड़े हो सकते हैं, खासकर यदि वह त्वचा के करीब है। हालांकि ऐसे ज़्यादातर ट्यूमर असुविधा या दर्द नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जो लाइपोमास होता है यानी कि वसा कोशिकाओं का ट्यूमर, काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर मुलायम और चलायमान और दर्द रहित होते हैं। त्वचा पर दिखाई देने वाले कैंसर रहित ट्यूमर से त्वचा का रंग भी बिगड़ सकता है, और जिससे कि असामान्य दिखने वाले
तिल भी हो सकते हैं। और बात की जाए कि डॉक्टरों को कब दिखाना चाहिए, तो दोस्तों असामान्य दिखने वाला कोई भी लक्षण डॉक्टर द्वारा जांचा जाना चाहिए। और अगर आपको अपने शरीर में कोई गांठ मिलती है जो आपको लगती है कि यह ट्यूमर हो सकती है, तो उसकी डॉक्टर द्वारा जांच करवाएं। जितनी जल्दी ट्यूमर की पहचान की जाए उतनी तेजी से इसका इलाज किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ट्यूमर जो है वो क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों बिनाइन यानी कि कैंसर रहित ट्यूमर का सटीक कारण अक्सर अज्ञात होता है। यह तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं अत्यधिक दर पर विभाजित होती है और बढ़ती है। आमतौर पर शरीर सेल के विकास और विभाजन को संतुलित करने में सक्षम होता है। जब पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो स्वचालित रूप से उनकी जगह नई और स्वस्थ कोशिकाएं ले लेती है। ट्यूमर के मामले में मृत कोशिकाएं बनी रहती है और गांठ बन जाती है, जिसे कि हम ट्यूमर कहते हैं। कैंसर कोशिकाएं भी इसी तरह बढ़ती है। हालांकि कैंसर रहित कोशिकाओं से विपरीत कैंसर कोशिकाएं आसपास के टिश्यूज तक पहुंच सकती है और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकती है। और बात की जाए कि ट्यूमर होने की आशंका किन वजहों से बढ़ जाती है, तो ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर उम्रदराज लोगों को ये ज्यादा होता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि घातक ट्यूमर कई कारणों के संयोजन का परिणाम होता है और जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण आनुवंशिक और वातावरण से संबंधित होता है। लोग अपने माता पिता से कुछ प्रकार के ट्यूमर विकसित करने की प्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा धूम्रपान करना, प्रदूषक और बहुत अधिक सूर्य की रोशनी जैसी हानिकारक पदार्थों के संपर्क में बार बार आना कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, ट्यूमर बनने की प्रक्रिया को ट्रिगर कर सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ट्यूमर से कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने, व्यायाम करने और संतुलित आहार खाने से कुछ प्रकार के कैंसर सहित स्वास्थ्य समस्याओं को रोका जा सकता है। लेकिन कैंसर रहित ट्यूमर के लिए प्राकृतिक या फिर वैकल्पिक उपचार जो है वो नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने से तंबाकू और शराब से परहेज करके कुछ घातक ट्यूमर से बचा जा सकता है। और बात करें दोस्तों कि ट्यूमर का निदान कैसे होता है, इसका परीक्षण कैसे होता है, तो दोस्तों आपकी हालत का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर आपको आपके चिकित्सा इतिहास और आपके द्वारा अनुभव किए जा रहे लक्षणों के बारे में प्रश्न पूछेंगे और शारीरिक परीक्षण करेंगे। यदि यह अनिश्चित है कि ट्यूमर मौजूद है या नहीं, या अगर ट्यूमर का चरित्र अज्ञात है, तो कुछ परीक्षण किए जा सकते हैं। जैसे बात करें दोस्तों सिटी स्कैन की, तो सिटी स्कैन तकनीक कंप्यूटर उपकरणों और प्रोग्रामिंग के साथ एक्सरे इमेजिंग को जोड़ती है ताकि शरीर की विस्तृत यहां तक कि 3D छवियां उत्पन्न हो सके। और ये तकनीक परीक्षण और उपचार के लिए उत्तकों के करीबी स्टडी और यदि आवश्यक हो तो ट्यूमर सर्जरी में मदद करता है। बात करें दोस्तों ब्लड टेस्ट की, तो हड्डी के ट्यूमर विशेष रूप से जो कैंसर कारक होते हैं उनकी मौजूदगी के किसी भी संकेत का पता लगाने के लिए रक्त लिया जाता है और परीक्षण किया जाता है। बात करें MRI की, तो इसमें एक्सरे या फिर CT स्कैन इमेजिंग की तुलना में पूरी तरह से अलग सिद्धांतों का उपयोग होता है। एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र सटीक उद्देश्य से रेडियो तरंगों और उन्नत कंप्यूटर तकनीक का उपयोग शरीर की अत्यधिक विस्तृत छवियों प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। MRI जो है वो विशेष रूप से यह निर्धारित करने में उपयोगी होता है कि किस तरह के उत्तक मौजूद हैं, जो इसे ट्यूमर जैसे अस्वस्थ उत्तकों की पहचान के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण बनाता है। बात करें दोस्तों एक्सरे की, तो अधिकांश मामलों में उपयोग किया जाने वाला प्रारंभिक परीक्षण एक्सरे होता है, जैसे कि हम रेडियोग्राफ भी कहते हैं। शरीर के माध्यम से गुजरने में सक्षम एक विशेष प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग संदिग्ध ट्यूमर के क्षेत्र की छवियों को बनाने के लिए किया जाता है। चूंकि ट्यूमर उत्तक एक्सरे विकिरण को आसपास के सामान्य उत्तकों से अलग तरीके से लेता है, और इसीलिए रेडियोग्राफ ट्यूमर की उपस्थिति को प्रकट करता है, जिससे कि प्रभावी ट्यूमर उपचार हो सकता है। और बात की जाए बायोप्सी की, तो बायोप्सी एक अपेक्षाकृत नियमित तकनीक है जो कि एक संदिग्ध ट्यूमर से उत्तक के नमूनों को प्राप्त करने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाती है। एक विशेष प्रकार की बायोप्सी में स्थानीय एनेस्थेटिक दिया जाता है, एक सुई उत्तक में डाली जाती है और एक छोटा सा नमूना लिया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। कुछ मामलों में एनेस्थेसिया देकर एक खुली बायोप्सी की जाती है, एक छोटा चीरा बनाया जाता है और एक छोटे उत्तक का नमूना लिया जाता है और परीक्षण किया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ट्यूमर का इलाज जो है या ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों यदि ट्यूमर कैंसर कारक नहीं है और हेल्थ के लिए खतरा नहीं पैदा कर रहा है, तो डॉक्टर केवल उसे रखने को कह सकते हैं और ऐसे में वे शायद किसी तरह का उपचार भी न करें, क्योंकि कई मामलों में विशेष रूप से बच्चों में इस तरह के ट्यूमर अपने आप गायब हो जाते हैं। अगर ट्यूमर कैंसर कारक पाया जाता है तो उपचार जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है।
ट्यूमर का प्रकार और स्थान और यह पता होना कि कैंसर जो है वो शरीर के अन्य हिस्सों में फैलना शुरू हो गया है या नहीं इलाज की विधि या विधियों का निर्धारण करता है। हड्डी के ट्यूमर के गैर सर्जिकल उपचार में रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी शामिल होती है। रेडिएशन थेरेपी यानी कि कैंसर कोशिकाओं को मारने और ट्यूमर को कम करने के लिए शक्तिशाली एक्सरे किरणों का उपयोग करना और कीमोथेरेपी में शरीर के माध्यम से फैले ट्यूमर कोशिकाओं को मारने के लिए कैंसर नाशक दवाओं का उपयोग करना। चूंकि कुछ प्रकार के कैंसर रहित ट्यूमर भी अंततः घातक हो सकते और फैल सकते, इसीलिए डॉक्टर एक्सीजन यानी कि सर्जरी द्वारा हड्डी का ट्यूमर हटाना वह भी कह सकते हैं। ट्यूमर की मौजूदगी से कमजोर हुई हड्डी टूटने से बचाने के लिए भी ट्यूमर हटाने की सलाह दी जा सकती है। ज्यादातर मामलों में ऑपरेशन के माध्यम से हड्डी के घातक ट्यूमर को हटा दिया जाना चाहिए। कैंसर के प्रसार या फिर वापसी के जोखिम को कम करने के लिए अक्सर सर्जरी का उपयोग विकिरण और रासायनिक उपचार के संयोजन में किया जाता है और इसे हम अंग बचाव सर्जरी कहते हैं यानी कि लिम्ब साल्वेज सर्जरी। इसमें केवल कैंसर वाले उत्तकों को हटा दिया जाता है और आसपास की हड्डी मांसपेशियों नसों और रक्त वाहिकाओं को नहीं छुआ जाता। कुछ मामलों में हटाई गई हड्डी को धातु प्रत्यारोपण या फिर प्रत्यारोपित हड्डी टिश्यू द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। यदि हड्डी का ट्यूमर बहुत बड़ा हो और उससे पास के उत्तक भी प्रभावित हो रहे हों जैसे कि मांसपेशियां या रक्त वाहिकाएं तो कैंसर के उत्तकों को खत्म करने और शेष शरीर की रक्षा करने के लिए अंग काटना भी आवश्यक होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ट्यूमर की जटिलता या नुकसान क्या हो सकते हैं या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो दोस्तों घातक ट्यूमर ऐसे कैंसरकारक ट्यूमर होते हैं जिनसे कि मृत्यु भी हो सकती है। कैंसर रहित ट्यूमर के विपरीत घातक ट्यूमर तेजी से बढ़ते हैं, नए क्षेत्र में फैल सकते हैं और इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं और असामान्य कोशिकाएं जो कि एक घातक ट्यूमर बनाती हैं वे ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।